नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एग्जाम पाथफाइंडर में स्वागत है। आज हम यूआईडीएआई या यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया में डेपुटेशन के माध्यम से निकले हुए पद डिप्टी डायरेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फाइनेंस हाई इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इसके लिए, एप्लीकेंट एसोसिएट मेंबर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया हो या एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हो। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, कैंडिडेट के पास एग्जीक्यूटिव और मैनेजरियल एक्सपीरियंस होना चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंट्स, ऑडिट, कॉस्ट या बजट कंट्रोल से रिलेटेड, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से रिलेटेड। अगर एप्लीकेंट्स कंस्ट्रक्शन सेक्टर से है तो उसके लिए और एडवांटेज है। और कैंडिडेट को ने कभी ना कभी इस फाइनेंशियल प्रपोजल या फाइनेंस मॉडलिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड वर्क किया हो। इसको अप्लाई करने की जो अधिकतम आयु सीमा है वो 55 वर्ष है। आप यहाँ देख सकते हैं जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, या 19 सितंबर 2020 से स्टार्ट होगा तथा इसको अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वह 9 अक्टूबर 2020 है। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ircun.org पर जाकर इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आप अपना एप्लीकेशन दिए गए निम्नलिखित एड्रेस, डिप्टी जनरल मैनेजर HRM आइक्रॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, C4 डिस्ट्रिक्ट सेंटर साकेत, न्यू दिल्ली, पिन कोड 110017 के इस एड्रेस पर अपने रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ सेंड कर सकते हैं। आप हमारे अलर्ट प्लेटफॉर्म पर इससे रिलेटेड इंग्लिश एडवर्टाइजमेंट, हिंदी एडवर्टाइजमेंट तथा ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। आइए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो पे स्केल E9 की जॉब है, और इसमें इंटरव्यू होगा या इंटरव्यू के माध्यम से होगा। आप यहाँ पे इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्मेट डाउनलोड कर फिलअप कर बताए गए निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा अन्य किसी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो आप फोरम community.exampathfinder पर आ सकते हैं और इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।